नमस्कार भाइयों, स्वागत है एजुकेशन इंडिया पर। बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की ओर से की गई बड़ी घोषणा की। आपको बता दें, इस बड़ी घोषणा से साफ क्लियर है कि एक व्यक्ति को 3 महीने के लिए 36 किलो गेहूं या फिर चावल मिलने वाले हैं, चावल प्लस गेहूं मिलने वाले। तो आपको पता चलने वाला है किस प्रकार से आपको चावल और गेहूं दोनों लेने हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। कहीं पर भी छोड़ेंगे तो आप इतने गेहूं लेने से छूट जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली बड़ी घोषणाओं की जानकारी सबसे पहले देखने को मिल सके। साथ साथ इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा ताकि ऐसे वीडियोस हम आपके लिए जल्दी से जल्दी ला सके। और कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, अगर कोई भी आपको समस्या है तो हम उसके समस्या का समाधान भी जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। तो कमेंट जरूर ही करिएगा अगर आपको सरकार की किसी घोषणा से या फिर सरकार की घोषणा में बिचौलिए कोई आपके गेहूं या आपका राशन खा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा, हम आपकी उस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बढ़ेंगे वीडियो में आगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से प्रति व्यक्ति 3 महीने के लिए 36 किलो गेहूं मिलने वाले हैं। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से 25 मार्च यानी कि बुधवार को एक घोषणा की गई थी। इस घोषणा में यह साफ कहा गया था कि जो 5 किलो गेहूं मिलते हैं 2 रुपए वाले, उसमें अब 2 किलो अतिरिक्त गेहूं दिए जाएंगे, यानी कि प्रति व्यक्ति 7 किलो गेहूं दिए जाएंगे, वो भी 2 रुपए किलो। इसके साथ ही यह भी कहा गया था कि कोई व्यक्ति अगर गेहूं नहीं लेना चाहे और चावल लेना चाहे तो 3 रुपए किलो 7 किलो गेहूं मिलेंगे। साथ ही साथ ये कहा गया था कि ये 2 किलो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और उसके बाद ही गुरुवार को यानी कि 26 मार्च को एक और नई घोषणा सामने आई। इसमें यह क्लियर कहा गया है कि 5 किलो गेहूं अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा गेहूं मिलने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके साथ ही 1 किलो दाल दी जाएगी। अब इससे यह साबित हो जाता है कि 12 किलो एक व्यक्ति को गेहूं मिलने वाले हैं। अब 12 किलो गेहूं मिलने वाले हैं तो 3 महीनों में 36 किलो गेहूं हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपको 1 किलो दाल भी दी जाएगी, यानी कि 36 किलो गेहूं के साथ साथ 1 किलो दाल प्रति महीने के हिसाब से दी जाएगी। और इस प्रकार से आपको राशन मिलने वाला है इन 3 महीनों के अंदर। अब सरकार की ओर से कहा गया था कि देश की 125 करोड़ जनता में से 80 करोड़ लोगों को इस योजना का फायदा मिलने वाला है। चाहे आपके पास अन्नपूर्णा कार्ड हो, अंत्योदय हो, बीपीएल हो, स्टेट बीपीएल हो, बीपीएल हो या फिर एक्स्ट्रा कोई भी कार्ड हो, आपको इस योजना का फायदा मिलने वाला है। 80 करोड़ की जनता में आप भी है। जिनके पास राशन कार्ड सामान्य वाला है और उन्होंने कभी गेहूं नहीं लिए हैं, फिर भी उनको इस बार गेहूं मिलने वाले हैं। अभी तक अगर आपका स्टेट बीपीएल वाला कार्ड है जिस पर आपको अभी तक एक भी बार गेहूं नहीं मिले हैं, फिर भी इस बार आपको गेहूं मिलने वाला है। यानी कि अभी तक आपने अगर राशन कार्ड को यूज भी नहीं किया हो, फिर भी इस बार आप ले सकते हैं, वो भी 12 किलो गेहूं। यानी कि अगर 3 महीनों की गणना की जाए 4 लोगों के परिवार की, तो 1 क्विंटल और 44 किलो गेहूं इन 3 महीनों के अंदर मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ सरकार द्वारा यह कह दिया गया है कि सभी जो राशन डीलर से वो राशन देना स्टार्ट कर दे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने को कहा गया है कि वहाँ पर भीड़ ना होने दे, क्योंकि जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतनी ही महामारी फैलने का संकट रहेगा। इसलिए राशन डीलर से भी ये कहा गया है और लोगों से भी गुजारिश की गई है कि वो राशन की दुकान पर भीड़ ना करें। इसलिए आप भी भीड़ ना करें, गेहूं आपको सीधे मिलेंगे हस्ताक्षर करके। आपको जाना है, राशन कार्ड देना है, पॉस मशीन की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, राशन कार्ड देते ही आपको राशन मिल जाएगा। क्योंकि देखा गया है कि कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी अभी फिंगरप्रिंट काम नहीं करती, अब उनको भी राशन जल्दी से जल्दी दे दिया जाएगा ताकि वहां पर भीड़ एकत्रित ना हो। चलिए, तो अभी राजस्थान या फिर सभी स्टेट्स को मिलाकर यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी जो भी गोदाम है वहां पर उसमें कितना स्टॉक है, तो आपको बता दूं अभी तक इन सभी गोदामों के अंदर 584.9 लाख टन अनाज है, जिसमें से 309.7 लाख टन चावल और 275.2 लाख टन गेहूं है।
अभी अगर गेहूं की बात करी जाए तो पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को 337 किलो प्रति व्यक्ति के को गेहूं दिए जा सकते हैं, यानी कि इतना भंडार अभी तक हमारी सरकार के पास पड़ा है कि एक व्यक्ति को 337 किलो गेहूं दिए जा सकते हैं, इतना भंडार पड़ा है, यानी कि आगे आने वाले किसी भी विपदा के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन यह भी नहीं हो जिन्हें गेहूं चाहिए वही सरकार के खजाने से गेहूं ले, बाकी सब सरकार के पास स्टॉक पड़ा ही रहेगा, क्योंकि सरकार को आगे आने वाले दिनों तक भी सुनिश्चित करना है कि हमारे देश में स्कार्सिटी ना हो, फूड स्कार्सिटी तो बिल्कुल भी ना हो और देश में ये भोजन के लिए भुखमरी ना हो, इसके लिए देश को ध्यान रखना होगा। देश के पास अभी इतना स्टॉक है कि देश की तमाम जनता के पास ये गेहूं और चावल पहुंचाए जा सकते हैं। बात करी जाए चावल की तो चावल गेहूं से भी ज्यादा, यानी कि करीब करीब 400 किलो गेहूं, यानी कि 4 क्विंटल गेहूं प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिए जा सकते हैं 3 महीनों के अंदर, इतना स्टॉक हमारे भारत देश के पास पड़ा है। तो इस प्रकार से थी संपूर्ण जानकारी, ये सभी आंकड़े आधिकारिक तौर पर बताए गए थे, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त हुए थे वही आंकड़े थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।